आ चुकी मुंबई में मलाड में एक उभरती हुई मॉडल की हत्या कर दी गई है। तो उसका शव एक सूटकेस में मिला है। मॉडल के दोस्त इब्राहिम पर कत्ल का आरोप लगा है। पुलिस ने उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। तो माया नगरी मुंबई के मलाड में माइंड स्पेस के पास झाड़ियों में एक ट्रैवल बैग मिला। ये मानसी दीक्षित का इसमें शव मिला है, लाश मिली है और इसके बाद हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने बैग में लाश देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद 4 घंटे के अंदर ही इस हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आरोपी की पहचान की गई है, जिसका नाम मुजम्मिल सैयद के रूप में हुई है और उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। तो आरोपी मिल्लत नगर अंधेरी का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय मानसी अपने फ्लैट में थी और मानसी और मुजम्मिल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी के बाद मुजम्मिल ने गुस्से में आकर मानसी के सिर पर स्टूल से हमला कर दिया, जिसकी वजह से अनजाने में मानसी की मौत हो गई। पुलिस ने यह भी बताया है कि मुजम्मिल और मानसी की दोस्ती उनके एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। मानसी राजस्थान के कोटा की रहने वाली थी और वो पिछले 6 महीने से अंधेरी पश्चिम में रह रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही पुलिस को सूटकेस मिलने की खबर लगी तो वो तुरंत मौके पर पहुंच गई और इसके बाद 4 घंटे के भीतर ही इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा का यह मामला है, लेकिन मुंबई में एक उभरती हुई मॉडल की हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में यहां पर आरोपी ने मानसी पर स्टूल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।